आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध अंतःकरण ही ग्रहण कर पाता है सत्संग को, धारण कर पाता है उपदेशों को। और आहार की शुद्धि बिना गौ माता की कृपा के संभव नहीं है। बाजार की मिठाइयां, बाजार का घी तेल आदि तो अशुद्ध है ही है। सच्ची बात तो महाराज जी ये है कि जो अन्न हम खा रहे हैं वह भी अशुद्ध है। कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से अन्न में भी दोष आ गया है। फास्फोरस आदि जो खाद हैं वो हड्डी से बनाए जाते हैं, और वे हड्डियां कौन, जो कट्टी घरों में जो बची हुई हड्डियां हैं उन हड्डियों से वो फास्फोरस आदि खाद बन रही, जिसको खेतों में लोग उपज के लिए डाल रहे हैं। तो महाराज उसमें भी गोबध के परमाणु हैं। फिर जो यूरिया आदि निकल रहा है, ये यूरिया डीजल पेट्रोल जहां से निकलता है उसी का एक उत्पाद यूरिया, यही है ना, डीजल पेट्रोल का ही तो उत्पाद यूरिया है, उसी से यूरिया बनता है। ये यूरिया क्या चीज है? वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व के जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में डीजल पेट्रोल आदि निकलता है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय में वहां समुद्र था और प्रकृति में परिवर्तन हुआ, इसलिए आज भी वहां रेतीला क्षेत्र है। तो एकाएक वह समुद्र वहां सूख जाने से, प्रकृति के परिवर्तन से, समुद्र के स्थानांतरित होने से, समुद्र के जो बड़े बड़े जीवाश्म थे, जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, वो उसी रेत में दब गए और समुद्र वहां से सूख गया। तो हजारों लाखों वर्ष दबे रहने से उन सब जीवों की, जलचर जीवों की चर्बी जो शरीर की थी वो इकट्ठी भई, और वो चर्बी ही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और डामर, कोलतार आदि के रूप में निकलती है, और उसी में से ये यूरिया भी निकलता है। तो अब बोलो, मूल में यूरिया चर्बी हुई कि नहीं जीवों की? हमारे कहने का मतलब है कि यह भी उतना शुद्ध नहीं है, यूरिया भी शुद्ध नहीं है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अमेरिका के, हम तो उनको राघव दासी कहते हैं, दीक्षा वाला नाम याद है, वैसे उनका नाम है राकेश सिंघल। कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और अमेरिका में बहुत बड़ा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ वो पढ़ाते भी हैं और कैंसर के बड़े क्या कहना चाहिए उनको, ऑपरेशन करने, सर्जन, बड़े सर्जन हैं। अभी भी दिल्ली वाली कथा में थे, फिर जड़खोर कथा में थे, कथा सुनने आए थे, फिर चले गए। तो उनको हमने पूछा कि ये कैंसर की बीमारी जो पूरे विश्व में बढ़ रही है उसका कारण क्या है, शुगर बहुत अधिक बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा इसका एकमात्र कारण है रासायनिक छिड़काव से तैयार, कीटनाशक के छिड़काव से उत्पादित साग सब्जियां, फल फूल और अन्न, यूरिया के प्रयोग से पैदा किया हुआ अन्न, यह इस कैंसर रूपी, और भी डायबिटीज कैंसर कई नाम लिए अंग्रेजी में, हमें तो याद नहीं है, बोले इन सब रोगों का मूल कारण जो है वो ये रासायनिक खाद है, कीटनाशक का प्रयोग है और यूरिया खाद है। तो वो बता रहे थे कि महाराज यूरोप में एक मुहिम चल रही है कि आने वाले 20 वर्षों में वहां की खेती पूरी तरह रासायनिक खाद से मुक्त हो जाएगी,
कीटनाशक से मुक्त हो जाएगी और वे लोग गोबर के आधार पर कृषि करने लग जाएंगे आने वाले 20 वर्ष में। ऐसी मुहिम वहां चल रही है और यहां यहां भारतीय देशी गोवंश जिसका मूत्र, जिसका गोमय, जिसका तक्र, जिसका दही, जिसका नवनीत, जिसका ग्रत, जिसका दूध, 7 चीजें गाय से हमें प्राप्त होती हैं और 7ों में जिसके अमृत है, जीवनी शक्ति है, उस भारतीय देशी गोवंश की नस्ल का संहार होता चला जा रहा है। तो हमारा निवेदन यह है कि अन्न जिसे हम खाते हैं वह भी गोबर गोमूत्र के उचित प्रयोग से यदि उत्पादित हो, वैज्ञानिक पद्धति से किए गए गोबर गोमूत्र के प्रयोग से और गोमूत्र से ही बनाए हुए कीटनाशक छिड़काव के द्वारा जो उत्पादित अन्न है वो पवित्र अन्न है, क्योंकि गाय की कृपा उसे प्राप्त है, हैं? गोमय गोमूत्र का आधार उसे प्राप्त है, वह अन्न पवित्र है। आहार में वैसा अन्न हम ग्रहण करें, सर्वोत्तम पक्ष की बात तो ये कि गौ आधारित कृषि से उत्पादित जो अन्न है उसी अन्न को हम भगवान को भोग लगावें और उसी अन्न को हम अपने आहार के रूप में, भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। मान लो अभी तत्काल में वर्तमान समय में यह संभव नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम इतना काम हम अवश्य करें, इस भयंकर विषाक्त वातावरण से बचने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र लें। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं? मान लो प्रतिदिन स्वस्थ गाय का गोमूत्र आप नहीं ले सकते तो गोमूत्र को बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल लिया जाता है जिसे गोमूत्रार्क कहते हैं। गोमूत्रार्क आप खाली पेट सवेरे लीजिए, 4 ढक्कन सीधे थोड़ा जल मिला के लीजिए, और अधिक आपको सहन नहीं होता 1 गिलास शुद्ध जल में आप मिलाकर लीजिए। शाम को सवेरे 2 टाइम कम से कम 4 ढक्कन गोमूत्र लीजिए। तो ये जो वातावरण में व्याप्त विष है इस विष से हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैंसर आदि से अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रतिदिन गोमूत्र लें, ये काम सहजता से संभव है, रोज लिया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम स्वयं नित्य गोमूत्र लेते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।